सब्सक्राइब कीजिए सीमा स्मार्ट किचन चैनल को, बेल को क्लिक कीजिए, इससे सबसे पहला इजी यमी वेज रेसिपी का मैसेज आपको आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे तरी पोहा। ये नागपुर का स्पेशल ब्रेकफास्ट है। इसकी जो तरी है उसे बनाना बहुत आसान है और ये पोहे के टेस्ट को दोगुना बढ़ा देती है। आप इसे संडे के ब्रेकफास्ट में या फिर और किसी दिन ब्रेकफास्ट में बनाएं, आपको लंच बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वीडियो को पूरा देखें तभी आप परफेक्ट नागपुर स्टाइल तरी पोहा बना पाएंगे। चलिए बनाते हैं तरी पोहा। ये है तरी के इंग्रेडिएंट और ये है पोहा और उसकी गार्निशिंग के इंग्रेडिएंट। काले चने में पानी डाल के रात भर इसे भीगने दीजिए। दूसरे दिन पानी में से निकाल के कुकर में थोड़ा पानी और नमक डाल के इसे इस टाइप का उबाल लीजिए। ये इतना कुक हो जाना चाहिए। सबसे पहले पैन में ऑयल को गर्म कर लीजिए। इसमें गर्म हो जाने के बाद राई, जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे थोड़ा सा चला लीजिए। इसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए और फिर डाल दीजिए प्याज। लाल मिर्च डालने के तुरंत बाद ही प्याज डालना है। इसे अब मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए कुक कर लीजिए। कुक हो जाने के बाद इसमें डाल दीजिए गरम मसाला और धनिया पाउडर। चला लीजिए और तुरंत ही इसमें डाल दीजिए उबले हुए काले चने और जरूरत अनुसार नमक डाल दीजिए। अब इसे ढक दीजिए और लगभग 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे उबाल लीजिए। लीजिए, तैयार है तरी। इसे पोहे के साथ सर्व करते हैं। मिर्च इसमें थोड़ी ज़्यादा रहती है पर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ही डाली है। आप चाहे तो और डाल सकते हैं। अब बनाएंगे पोहे। पोहे बनाने के लिए मोटे वाले पोहे को पानी में से धो के तुरंत निकाल दीजिए और 15 मिनट तक इसे भीगने दीजिए। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के मूँगफली को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून के निकाल लीजिए। सेम कढ़ाई में अब तेल डाल दीजिए। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें डाल दीजिए राई, जीरा, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च बारीक कटे हुए, प्याज लंबाई में कटे हुए और अब इसे चला लीजिए। इसे थोड़ी देर भूनना है। थोड़ी ही देर में इसमें कटे हुए आलू डाल दीजिए। आलू को छील लिया है और इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आलू कुक होने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। चला के इसे ढक दीजिए। 3 से 4 मिनट में ये कुक हो जाएगा। प्याज और आलू को साथ में ही कुक करना है। कुक हो जाने के बाद थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर डाल के चला लीजिए। अब इसमें डाल दीजिए भीगे हुए पोहे। पोहे को डालते समय हाथ से इस टाइप से इसे अलग अलग करते हुए डालिए जिससे कि ये अच्छे से मिल जाए। अब इसे चला लीजिए। इसमें स्वाद अनुसार नमक और भुनी हुई मूंगफली डाल दीजिए। चला लेने के बाद इसे ढक के लगभग 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक कर लीजिए। लीजिए, तैयार है परफेक्ट टेस्टी पोहे। हरा धनिया डाल दीजिए। चलिए देखते हैं तरी पोहे कैसे सर्व करते हैं। प्लेट में पहले पोहे डाल दीजिए। पोहे के ऊपर डालिए तरी वाले चने, साथ में इसकी तरी भी डालिए, मींस इसका रसा भी डालिए। इससे ही इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। अब इसे गार्निश कर दीजिए कटे हुए बारीक प्याज, हरा धनिया, नायलॉन सेव, नींबू और आप जिस भी चीज़ से गार्निश करना चाहते हैं कर सकते हैं और लीजिए टेस्ट तरी पोहे का। आप इसे ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।